अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलजी गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदत अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है एलस्ट्रेटर के टूल्स के ऊपर। सो आज की क्लास में हम दो तीन टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं टूल बार में। टूल बार में सबसे पहला टूल हमें जो मिलता है वो होता है सिलेक्शन टूल। जब हम सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे तो हमारे कर्सर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब बेसिकली सिलेक्शन टूल तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसके लिए जो है वो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो हमें मिलता है एक शेप का टूल। जब हम इस पर क्लिक करके रखेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी जो है वो टूल्स मिलेंगे। यहाँ पर और भी ऐसे टूल्स हैं जिसके नीचे आपको कर्सर बना हुआ नज़र आएगा। जब हम इस पर क्लिक करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो टूल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती है, उसकी जो है वो एक न्यू पैनल ओपन हो जाता है। तो जैसे अभी मैं सेलेक्ट करती हूँ रेक्टेंगल टूल को और जब यहाँ पर लाती हूँ और माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करके एक रेक्टेंगल को बनाती हूँ। देन हम जाएंगे यहाँ पर सेलेक्शन टूल पे। सेलेक्शन टूल पे जाने के बाद सेलेक्शन टूल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, तो हम इसको ईजीली मूव भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर हमें हैंडल्स मिलते हैं। इस हैंडल्स की हेल्प से जो है वो हम इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी टाइप का रेक्टेंगल बना सकते हैं और इसकी विथ और हाइट हम अपनी हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। एक और काम इसका ये होता है, जैसे कि इस रेक्टेंगल की जो साइज़ है वो हम विथ और हाइट अपने हिसाब से सेट करें, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही साइज़ पे जो है वो इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज आए, तो हम सबसे पहले जाएंगे रेक्टेंगल टूल में। यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल हमारा सेलेक्ट हुआ है। अब स्क्वायर की जो साइज़ होती है वो जो है वो फोर साइड जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, इसलिए हम जब शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन माउस की हेल्प से जब ड्रैग करके बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये डायमेंशनली जो है वो चेंज नहीं होगा, इसकी विथ और हाइट जो है वो आपस में सेम रहेगी जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है। हम इसको छोटा और बड़ा जो है वो इजीली कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, जब हम इधर प्रेस करते हैं एक बार तो ये आपसे जो है विथ एंड हाइट मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप विथ एंड हाइट अपने हिसाब से सेट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं विथ लिख देती हूँ 5 एंड हाइट जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6। तो ये हमारे पास जो है वो छोटा सा एक बॉक्स बन के आ गया। आप अपने हिसाब से विथ एंड हाइट भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो इसको ड्रैग करेंगे तो ये खुद छोटा या बड़ा हो जाता है। अब मैं यहाँ पर करती हूँ कंट्रोल जेड। मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करूँगी एंड देन जब ड्रैग करूँगी तो मेरे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी कॉपी लें तो हम जो है वो ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड देन जब हम इसको मूव करेंगे तो ये इसकी एज इट इज कॉपी ले लेगा। एक और चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होती है कि आप चाहते हैं कि एक स्टेप आपने जैसे करा ना, जैसे मैंने इसकी कॉपी ली है, अब वही जो है सेम डायरेक्शन में इतना ही स्पेस छोड़ छोड़ के या पूरी लाइन में आपकी कॉपी हो जाए। अगर आप इस तरीके से एक एक करके लेंगे तो जो बीच में लाइक स्पेस होगा तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो ये उतनी कॉपीज लेता जाएगा जितनी बार हम इसको प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इतना ही गैप जो है वो दोनों के बीच में होगा। अब हम एज इट इज़ लाइक सेम पैटर्न अगर हमको जो है वो कॉपी करना है तो हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे यहाँ पर एंड इसको करेंगे सेलेक्ट एंड देन जब हम इसको एक बार कॉपी करके नीचे लाएंगे इस तरीके से एंड देन जब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसकी कॉपीज लेगा। इसी तरीके से आप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार बना के उसकी कॉपी लेके डिफरेंट पैटर्न जो है वो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। एलिप्स टूल मिलता है, पॉलीगॉन टूल मिलता है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट से जो है वो आप ट्राइंगल बना सकते हैं। आपने जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स में भी देखा होगा कि जो है वो डिफरेंट कॉपीज आती है, तो आप इसी तरीके से कंट्रोल डी प्रेस करके किसी भी टाइप का जो है वो पैटर्न इन शेप से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इसकी जो स्ट्रोक्स है, आउटलाइन है, वो चेंज करें एंड इसके अंदर जो कलर है वो भी हम लोग कोई डिफरेंट लगाएं। जब हम अपने टूल बार के अंदर आते हैं एंड सेलेक्शन टूल को आपने प्रेस करना है एंड देन इस सबको करना है सेलेक्ट। जब ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे
देन हम दोबारा टूल बार में आएंगे, यहाँ पर हमें मिलते हैं दो बॉक्स। एक बॉक्स जो होता है वो होता है स्ट्रोक्स का और दूसरा होता है फिल का। स्ट्रोक्स जो है वो बेसिकली आपकी आउटर लाइन होती है। तो जब स्ट्रोक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैनल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हम सियान कलर हो गया, मैरून कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है, ये सब कलर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास स्वेचेस भी आता है और कलर गाइड भी आता है, अगर आपको एक कलर चाहिए हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। पर जब हम इस बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कलर पिकर। कलर पिकर के अंदर मैं यहाँ पर करती हूँ डार्क कलर, ये वाला कलर। एंड देन जब मैं ओके प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे मेरी जो स्ट्रोक्स है इनका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ बॉक्सेस के जो है वो अंदर का कलर चेंज हो, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी और जो जो बॉक्स के कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करूँगी। तो जैसे इसको कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया एंड ये। अब इन बॉक्सेस के कलर को अगर मुझे चेंज करना है तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन मैं फिल कलर में जाऊँगी एंड इसके अंदर जो हूँ मैं अप्लाई करती हूँ ये डार्क सियान कलर। एंड देन जब मैं ओके करूँगी तो आप देखेंगे कि मैंने जिन बॉक्सेस को सेलेक्ट करा था खाली उसका कलर चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने जो है वो शेप्स बना सकते हैं, उनकी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये स्वेचेस आ रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के जो है वो कलर्स मिलते हैं, हर वैरायटी की जो है वो मिलते हैं। एंड देन कलर गाइड के अंदर आपको सिंगल कलर्स मिलते हैं, शेड्स मिलते हैं, तो वो आप जब अपने स्ट्रोक्स में लगाते हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो इन्हेंस हो जाते हैं। और यही काम जो है वो आप अपने कलर फिल के साथ भी जो है वो अपने स्वेचेस बना के लगा सकते हैं। आई होप आज जो मैंने आपको 2 से 3 टूल्स एलस्ट्रेटर में किस तरीके से यूज़ करने हैं वो समझाए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।